सो हे गाइज, इट्स मी शुभम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन के दोनों स्पीकर को कैसे यूज़ कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे फ़ोन में ये चीज़ नहीं रहता है, लेकिन अब जितने भी फ़ोन आ रहे हैं, मतलब उनमें ये फीचर रहता है कि ऊपर भी एक स्पीकर रहता है और नीचे भी एक स्पीकर रहता है, मतलब दो स्पीकर का उनमें फैसिलिटी दिया हुआ रहता है। तो बहुत लोग को दोनों स्पीकर को एक साथ यूज़ करना आता ही नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उन दोनों स्पीकर को एक साथ यूज़ कर सकते हो। मतलब कोई सॉन्ग को जैसे आपने प्ले किया, तो नीचे साइड बॉटम साइड में जो स्पीकर आता है सिर्फ उसी में से आवाज़ आता है, लेकिन मैं बताऊँ कैसे आप अपने ऊपर टॉप में भी जो स्पीकर है उसको भी और बॉटम में भी है दोनों स्पीकर को कैसे एक साथ कंबाइन यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहो, और इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन को जरूरत नहीं है डाउनलोड करना। इस मोबाइल में एक फीचर दिया रहता है जो आप लोगों को पता नहीं रहता है, तो वही मैं बताऊंगा। सो गाइस, दोनों स्पीकर को चलाने के लिए एक साथ आपको सबसे पहले आपके सेटिंग में आ जाना है। तो यहाँ से मैं सेटिंग ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आ जाने के बाद आपको नीचे एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, नीचे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, तो इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ऊपर चार ऑप्शन मिल जाएगा, जनरल, वर्जन, हियरिंग, फिजिकल, चार ऑप्शन है, तो आपको हियरिंग में आ जाना है। और यहाँ पे जब ये ब्लू लाइन राइट साइड होता है तो आपका नीचे वाला स्पीकर काम करता है, और जब लेफ्ट साइड ये होता है तो आपका मतलब टॉप पे जो स्पीकर है वो काम करता है। लेकिन आपको दोनों स्पीकर को जब एक साथ चलाना रहता है तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इस ब्लू लाइन को बीच में ला देना है। इससे क्या होगा कि ऊपर वाला स्पीकर और नीचे दोनों स्पीकर एक साथ काम करने लगेगा। हालांकि मेरे पास दो फ़ोन है नहीं तो मैं दिखा देता आपको प्रैक्टिकली, लेकिन आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करो, सच में ये काम करता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करो। और बस, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।